नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर माधव धर्मे, कंसल्टिंग फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, सह्याद्री हॉस्पिटल। दोस्तों, बहुत बार मुझे पेशेंट्स पूछते हैं कि उनका डायबिटीज़ का कंट्रोल परखने के लिए शुगर टेस्ट के अलावा और कौन सा टेस्ट वो लोग कर सकते हैं। इसका जवाब है HbA1c टेस्ट। तो आइए जानते हैं HbA1c टेस्ट के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे ब्लड के अंदर यानी खून के अंदर RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स होती है। इन RBCs के अंदर होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अलग अलग जोन होते हैं, उसमें से एक जोन का नाम होता है HbA1c। इस HbA1c जोन के ऊपर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जड़ा होता है, इसलिए इस जोन को ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी बोला जाता है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा RBC लाइफ स्पैन के बारे में। RBC यानी रेड ब्लड सेल, जब वो निर्माण होती है हमारे बोन मैरो के अंदर, तब से लेकर उसका डिस्ट्रक्शन यानी कि वो नष्ट होने तक बीच के पीरियड को बोला जाता है RBC लाइफ स्पैन। ये लाइफ स्पैन लगभग होता है 120 दिनों का। इसका मतलब, अगर आपका एक ब्लड सैंपल लिया जाए तो उस सैंपल के अंदर कुछ RBCs ऐसी होंगी जो 120 दिन पुरानी है और कुछ RBCs ऐसी भी होंगी जो सिर्फ एक दिन पुरानी है। अगर हम इन RBCs के HbA1c एरिया के ग्लूकोज मॉलिक्यूल परसेंटेज को अगर जांच सके, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि HbA1c टेस्ट ये एक एस्टिमेट देगा आपके बीते हुए 2 या 3 महीनों के ग्लूकोज के कंट्रोल के बारे में। दोस्तों, हमारे भोजन में हमारे खाद्य पदार्थों का प्रमाण और उनके प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। हमारे दिन के जो श्रम होते हैं यानी कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, वो भी अलग अलग हो सकती है। इसकी वजह से आप जो टेस्ट शुगर टेस्ट करते हैं, शुगर फास्टिंग और पोस्ट मील, उस रीडिंग के ऊपर एक दिन पहले आपने जो खाना खाया या फिर आपने जो श्रम किए, उनका परिणाम हो सकता है। यहाँ तक कि ऐसा भी पाया गया है कि जब भी हमारा टेस्ट करने का दिन नज़दीक आता है तो हमारा खाना थोड़ा कम हो जाता है जाने अनजाने में। तो इसकी वजह से आपका फास्टिंग और पोस्ट मील शुगर लेवल नॉर्मल आ सकता है, जबकि सच में वो कंट्रोल में नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें HbA1c टेस्ट का सहारा मिल जाता है, जो कि बता देगा कि गत 2 या 3 महीनों में आपका शुगर कंट्रोल सच में था या नहीं। डायबिटीज़ के मरीजों में HbA1c का नॉर्मल स्तर होता है 7% यानी 7% से नीचे। डायबिटीज़ की दवाइयाँ और उनकी परिणामकारकता, ये परखने के लिए HbA1c टेस्ट करना काफ़ी अनिवार्य होता है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों ने हर 6 महीनों में या 3 महीनों में HbA1c टेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर इस विषय के बारे में आपके कुछ प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजना ना भूले। मैं और हमारी टीम उनका उत्तर अवश्य देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।